गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, मतलब लाइक बहुत ही अलग वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। सो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। टाइटल है रोड्स ऑफ पाकिस्तान एंड साथ में इसका ये भी लिखा हुआ है कि अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर्स इकोनॉमिकल हब। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ये। और मतलब हमने सुना है कि पाकिस्तान की रोड्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब साफ सुथरी और बहुत क्लीन हर चीज, मतलब अच्छे से उन्होंने मतलब बना रखी है रोड्स। हमने काफी सुना है बट हमने ऐसी कोई वीडियो पे हाँ कोई रिएक्शन ब्लॉग वगैरह में हमने थोड़े बहुत देखे हैं जो कि बहुत हमें नजर भी आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमने रिएक्शन भी एक वीडियो पे दिया था, बहुत टाइम पहले दिया था, बट हमने अभी रिसेंटली कोई वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया। सो गाइज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाहिम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारा प्यारा पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा और रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान अपने रोड नेटवर्क के हवाले से आलमी दर्जा बंदी में 21वें नंबर पर है और ये दर्जा सीपैक की वजह से बढ़ता जा रहा है। अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो इस जनूबी एशियाई रियासत का मजमू रकबा 8,82,000 मुरबा किलोमीटर या 3,41,000 मुरबा मील के करीब बनता है। शुमाल में क्राक्रम के पहाड़ी सिलसिले से लेकर जनूब में बहिरा अरब के साहिलों तक फैले हुए इस मुल्क में पुख्ता सड़कों, हाईवेज, मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज पर मुश्तमिल कौमी रोड नेटवर्क की मजमूई लंबाई तकरीबन 2,64,000 किलोमीटर है। सिपेक से इस ढांचे की बेहतरी की बात करें तो मुल्क के बुनियादी ढांचे की तामीर और तौसी के 60 अरब डॉलर से जायद मालियत के इस मंसूबे पर काम जारी है जो खंजराब तक गवादर पूरे मुल्क को बदल रहा है और इसके रोड नेटवर्क को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इसके साथ यहाँ रेलवे का एक वसी जाल भी बिछ रहा है, खंजराब तक गवादर जिसमें पेशावर तक कराची तक ML1 मंसूबा भी शामिल है, जेरे तामीर है। यानी पूरा मुल्क न सिर्फ रोड बल्कि रेलवे नेटवर्क के जरिए भी जुड़ रहा है। इससे बड़ा मोटरवे नेटवर्क जनूबी एशिया में फिलहाल किसी भी दूसरे मुल्क के पास नहीं। 2015 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के रोड नेटवर्क की लंबाई 55 लाख किलोमीटर थी, लेकिन भारत के हाईवेज की लंबाई पाकिस्तान से कम बनती है। पाकिस्तान ने अच्छे रोड नेटवर्क में ईरान, रूस, बांग्लादेश, वियतनाम और बहुत से दूसरे ममालिक से आगे है। इस नेटवर्क की हिफाजत की बात करें तो आज से 4 अशरे कबल पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने 5 बहुत अहम बैनुल सूबाई शाहराहों को वफाकी इंतजाम में लेकर इन्हें नेशनल हाईवेज करार दे दिया था, जिनकी देखभाल के लिए एक नेशनल हाईवे बोर्ड भी कायम कर दिया गया था। 1991 में हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लिमानी कानून साजी के जरिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के क्याम का फैसला किया तो इस नए अदारे को नेशनल हाईवेज की मनसूबाबंदी, तामीर, देखभाल और मुरम्मत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। M1 से M14 तक सब इसी के जेरे इंतजाम हैं और पाकिस्तान की कौमी शाहराहें भी इसके जेरे इंतजाम हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस तरह काम करती है और इसकी कारकर्दगी की निगरानी कौन करता है, इस बारे में हम आपको बताते चलें कि मुल्क में हाईवे से मुतल्लिक कौमी पॉलिसियां नेशनल हाईवे कौंसिल तय करती है और यही कौंसिल नेशनल हाईवे अथॉरिटी का निगरान इदारा भी है। NHA के क्याम के करीब 1 अशरे बाद तक नेशनल हाईवे कौंसिल की सिदारत मुल्क की वजीर आजम के पास थी जो सन 2001 में कानूनी तरामीम के बाद वफाकी वजीर मवासलात को मुंतकिल कर दी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का चेयरमैन नेशनल हाईवे कौंसिल का रुकन भी होता है। पाकिस्तानी वजारत मवासलात के उन आला ज़राए के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस वक्त 40 के करीब कौमी शाहराहों, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज और स्ट्रेटेजिक रूट करार दी गई कौमी सड़कों का मुंतजिम इदारा है। पाकिस्तान के कौमी रोड नेटवर्क का तकरीबन 5% हिस्सा NHA के इंतजाम में है और मुल्क में कमर्शियल ट्रैफिक का 80% हिस्सा इन्हीं 5% सड़कों से गुजरता है। इसके अलावा N5 कहलाने वाली नेशनल हाईवे को तो पाकिस्तानी रोड नेटवर्क की शाहराह भी कह सकते हैं क्योंकि पूरे मुल्क में कमर्शियल ट्रैफिक का 65% हिस्सा इसी एक कौमी शाहराह से गुजरता है। N5 कहलाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 5 1,819 किलोमीटर तवील है। N5 कहलाने वाली पाकिस्तान की 5वीं कौमी शाहराह सूबा सिंध के बंदरगाही शहर कराची से शुरू होकर वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों में तुरखम तक जाती है जहां एक बहुत मसरूफ सरहदी गुजरगाह पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाती है। अफगानिस्तान के लिए तजारती सामान लेकर जाने वाले लाखों ट्रक और ट्रालर भी ज्यादातर यही पाकिस्तानी हाईवे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी रोड नेटवर्क का अगर करीब 5% हिस्सा भी मोटरवेज और हाईवेज पर मुश्तमिल है तो इसकी कुल तवालत कितनी है? नाज़रीन, NHA के जेर इंतजाम कौमी शाहराहों,
और मोटरवेज की लंबाई तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। इनमें से 9 तामीरशुदा मोटरवेज की तवालत 600 किलोमीटर बनती है, जबकि 1800 किलोमीटर तवील मोटरवेज ज़ेरे तामीर हैं, जिनमें से ज्यादातर मंसूबे मुकम्मल हैं। 1100 किलोमीटर तवील मोटरवेज सीपैक के तहत मुकम्मल हो चुके हैं और 850 किलोमीटर ज़ेरे तामीर हैं। याद रखें, पाकिस्तान की शाहराएं दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहराएं हैं। शाहरा कराकरम, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जहाँ जंगी तैयारों की मशकें भी होती हैं, जीटी रोड, हजारा एक्सप्रेसवे और दीगर तमाम शाहराएं सब अपनी नौयत में बहुत अहमियत की हामिल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मोटरवेज की तामीर के बहुत से बड़े बड़े मंसूबों पर काम हुआ। हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स में गुजरात से गवादर तक कई मंसूबे शामिल हैं। सखर मुल्तान मोटरवे, लाहौर से मुल्तान तक 230 किलोमीटर मोटरवे, हवेलियाँ खानपुर 220 किलोमीटर तवील शाहरा, इसी तरह कराची से हैदराबाद तक 136 किलोमीटर मोटरवे, इसके अलावा फैसलाबाद से मुल्तान तक मोटरवे, ये सब नेटवर्क पाकिस्तान को बदल कर रख चुके हैं। इन्हीं सड़कों की बदौलत पाकिस्तानी हजरात अब पूरे मुल्क की सैर सिर्फ चंद दिन में कर सकते हैं और तिजारत भी। हम आपको बताते चलें कि इसी रोड नेटवर्क की मदद से पाकिस्तानी अब दर्जनों मुल्कों की सैर बाय रोड कर सकते हैं। पाकिस्तान में मोटरवेज नेटवर्क बड़ा और मजबूत होने से हमसाया ममालिक जिनमें चीन और अफगानिस्तान भी शामिल हैं से मजीद बेहतर ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं और वस्ते एशिया तक रसाई भी मुमकिन हो चुकी है। दूसरी तरफ गवादर पोर्ट मुकम्मल फाल है, यूरोप और अफ्रीका तक भी पहुँचा जा सकता है। अब हमारे पाकिस्तान में बहरी और बरी दोनों रास्ते मौजूद हैं। नाजरीन, आप पाकिस्तान के रोड नेटवर्क के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बरवक्त मिल सके। सो गाइस, जैसे कि हमने वीडियो शुरू करने से पहले हमें जो पता था कि पाकिस्तान की जो रोड्स हैं वो और जो कंट्रीज हैं उनसे बहुत अच्छी हैं उनके कंपैरिजन, क्योंकि मतलब जैसे हमने बहुत सारे मतलब फैक्ट्स वीडियोस देखी हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो हमने बहुत सुना है कि वहाँ की रोड्स ऐसी हैं, इतनी क्लीन है, इतना ये है, बट साथ में इन्होंने इस वीडियो में मतलब प्रॉपर दिखाया, एक्सप्लेन किया है कि, उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान का मोटरवेज एशिया में सबसे बड़ा है, ऐसे करके उन्होंने बोला ना, तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान मतलब रोड्स के लिए पाकिस्तान बहुत फेमस है, ये सभी को पता है। एंड आई थिंक अगर आपको अपनी कंट्री को भी टूरिज्म में और आगे ले जाना है तो रोड्स बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि वहीं से सब कुछ आपके पता चलता है कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना। एंड अभी इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी बताया, बहुत सारे आ रहे हैं। बट गाइज, ऐसी वीडियो से और हमें जानने को मिला पाकिस्तान की रोड्स के बारे में, हमें बहुत मजा आया। आप लोग बताना आप लोगों को ये सब पता था कि नहीं, और आपको रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।